हाँ सर आवाज आ रही है बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। झारखंड प्राकृतिक सुंदरता की अनुपम मिसाल है। करोड़ कागज से 545 किलोमीटर लंबी 21 सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण किया जा रहा है। आज लोकार्पण होने वाले परियोजनाएं हैं प्रदान करता है NH-33 की शुरुआत बरही से होती है और ये खत्म होती है NH-6 बहारा गोरा पर। करते हुए आप सब लोगों को बधाई देता हूं, अपनी ओर से जोहार करता हूं। जो मुझे बताया गया है, जो अभी हम लोगों ने देखा है, लगभग हमारे इस प्रदेश में 2750 करोड़ का सड़कों का उद्घाटन होना है, हुआ है, और लगभग 750 करोड़ का योजनाओं का शिलान्यास होना है। और ये खुशी की बात है, धीरे ही सही, लेकिन कुछ कदम हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय गडकरी साहब से आग्रह भी है और थोड़ी हमारी चिंताएं भी है कि जिस तरीके से हम लोग सड़कों को लेकर हमारे राज्य में आगे काम चल रहा है, मुझे लगता है इसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि अर्जुन मुंडा जी ने पहले ही कहा कि झारखंड प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने में विभिन्न तरीके के खनिज संपदाओं का खनन किया जाता है और इसका मूवमेंट रेल और सड़क के माध्यम से ही होता है, जो कि लगभग 60-40 के रेशियो में है। ये तो पूरे देश के पैमाने पर है, राज्य में हमारे बड़े पैमाने पर सड़क मार्ग के माध्यम से ही खनिज संपदाओं का आवागमन होता है। सिर्फ हमारे ही राज्य के खनिज संपदा बाहर हमारे राज्य से नहीं जाते, बल्कि उड़ीसा के भी हमारे राज्य से होते हुए जाती है, कई खनिज बाहर जाते हैं, बंगाल के भी कई खनिज संपदाएँ हमारे राज्य से होते हुए ही जाती हैं। तो इस स्थिति में राज्य में सड़कों का बेहतर होना बहुत ही आवश्यक है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा पीछे जा कर के देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो हमारे राज्य में जो सड़कों को बनाने को लेकर स्थिति दिख रही है, वो जो पिछले 3 साल में हमारे राज्य में जिस तरीके से जो हमें पैसे आवंटित की गए हैं, वो 2017-18 में 205 करोड़ रुपए, 18-19 में 169 करोड़ रुपए हमें मिले और 19-20 में लगभग 500 करोड़ रुपए, और अभी बहुत धक्के मुक्के लगाने के बाद हमें 675 करोड़ रुपए मिले हैं। तो ये रफ्तार बढ़ रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आदरणीय मंत्री गडकरी साहब को। और अभी हम लोगों का प्रयास है कि इसमें और हम अधिक से अधिक योजना के लिए हम लोग DPR आपके तक भेजें। ये बात सही है, हमारे यहाँ पूर्व में DPR बनाने में बहुत गति नहीं रही है और अभी हम लोगों ने इसमें बहुत तेजी से काम किया है और बड़े पैमाने पर DPR बन के हमारी तैयार है, जो भारत सरकार को प्रेषित की जाएगी। सर, भारतमाला के तहत कुछ योजनाएं हैं जो हमारे राज्य में चल रहे हैं। पहला योजना छत्तीसगढ़ रायपुर धनबाद, जो लगभग 260 किलोमीटर जो झारखंड के अंदर आता है,
जो 140 किलोमीटर का काम चल रहा है और शेष जो 146 किलोमीटर है उसे जल्द से जल्द लिया जाए, ये हमारा आग्रह होगा। दूसरा है उड़ीसा राज्य से संबलपुर रांची इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो 146 किलोमीटर झारखंड के अंदर आता है और ये टोटल ग्रीनफील्ड एरिया भी है, इसमें मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सड़क बनाने में और न जमीन की कोई उपलब्धता को लेकर कोई दिक्कतें होंगी। तीसरा है रांची से पारादीप इकोनॉमिक कॉरिडोर का, जो खूंटी हाटगमरिया जामतड़ा से होते हुए जयंतगढ़ होते हुए उड़ीसा जाएगी, जो लगभग 188 किलोमीटर का स्ट्रेच झारखंड में पड़ेगा सर। इसके अलावा यूपी से बनारस से रांची तक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो NH-75 है, जो लगभग 260 किलोमीटर का स्ट्रेच झारखंड में है, इसे भी बहुत ही ये एक महत्वपूर्ण सड़क है जिसमें लगभग 55 किलोमीटर का काम हो चुका है फोर लेनिंग का और लगभग वही 205 किलोमीटर शेष बाकी है। इसे जल्द से जल्द लिया जाए, जल्द से जल्द इस पर काम हम लोग कर पाए तो हमारे लिए, इस राज्य के लिए बहुत बेहतर ये सड़क साबित हो सकता है। मैं पूरा, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं, मैं पूरा मंजूर कर देता हूँ, मैं आपको मंजूर कर देता हूँ। आप तुरंत मुझे प्रपोजल में PWD सेक्रेटरी को बुलाओ और उनको बोलो मुझे एक ही चाहिए, क्वालिटी का काम चाहिए, लैंड एक्विजिशन समय पे चाहिए, फॉरेस्ट एनवायरमेंट के क्लियरेंसेस चाहिए और आप अधिकारी मुझे अच्छे देकर निकाल के दे दो। मैं झारखंड को 3 साल के अंदर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका के स्टैंडर्ड का झारखंड के रोड बना दूंगा, ये आपको वचन देता हूँ। और आपको मालूम है जो बोलता हूँ मैं डंके की चोट पे करके दिखाता हूँ, और बिल्कुल करके दूंगा सर। एक आग्रह था सर, और वो आग्रह ये था, ये फॉरेस्ट क्लियरेंस वाला जो इशू है सर, ये कमोवेश पूरे कंट्री में प्रॉब्लम हुआ पड़ा है। हमने प्रधानमंत्री साहब से रिक्वेस्ट भी किया था, पहले हमारे पास कुछ राइट्स थे सर फॉरेस्ट क्लियरेंस को लेके, लगभग 5 एकड़ का क्लियरेंस लेने का एक ये था, स्टेट गवर्नमेंट में ही एक प्रोविजन था और वो शायद लैप्स कर गया है। और इसको सर वो लैप्स इसलिए होता है, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, नाराज मत होइए, आपके अधिकार में जो फॉरेस्ट एनवायरमेंट क्लियरेंस की परमिशन मिलती है, एक बार पिछले 5 साल में जो दी है, कितना समय लगाया आपके राज्य सरकार में, थोड़ा अंदाज उसका ले। फॉरेस्ट के अधिकारी ये कैडर जो है ये पूरे देश का, इनके प्रति मैं बहुत नाराज हूँ, ये जैसे रोड में ऑब्स्टेकल बनते बस है। आपका रिव्यू कराइए हमारे रोड का और मुझे भेजिए, मैं आपको जावड़ेकर जी के पास लेकर आपको जो भी बातें वो सवाल कर दूंगा, पर ये जो काम नहीं करेंगे इनको जरा कड़क शिक्षा करिए, इनका बयानत कराइए, तो कड़ी कार्रवाई करिए, इतना मैं आपसे मदद करूंगा, मैं मदद करूंगा आपको। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपका NH का भी कोई भारत माला में भी नया सेकंड फेज डाल रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होंगे तो वो भी डाल देंगे, झारखंड के साथ कोई भेदभाव रहेगा, उल्टा जो सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको पहले प्राधान्य मिलेगा और उनका विकास होने के लिए प्राथमिकता देगी, यही हमारी भूमिका है, हम इसमें कोई राजनीति नहीं करेंगे और पूरी तरह MSME में और NHI के डिपार्टमेंट में आप जो भी योजना है मेरे पास लेकर आइए, मैं पूरा आपको सपोर्ट करूंगा, इसी विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ, नमस्कार।